पाकिस्तान की मनमानी की अब खैर नहीं। एक बार फिर उबल रहा पाकिस्तान का बलूचिस्तान। पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधन खत्म कर रहा है पाकिस्तान। नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर उबल रहा है मानवाधिकारों के उल्लंघन और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ। राज्य के लोग लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि 27 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने सख्ती की, जिसके बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। बलूच एक्टिविस्ट का कहना है कि 28 जुलाई को एक शांतिपूर्ण रैली बुलाई गई थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना करीब 2 हफ्ते से लोगों को वहां पहुंचने से रोक रही थी। आरोप है कि बीते 3 दिनों में करीब 1000 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबों में से एक बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तानी सेना और उसकी दमनकारी नीतियों का विरोध करता रहा है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसकी आबादी करीब 1.5 करोड़ है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से मिलते हुए इस क्षेत्र में अथाह प्राकृतिक संसाधन है। गैस, तांबा, सोना और कोयले के भंडार से भरे हुए राज्य की आर्थिक स्थिति एकदम पस्त है। पाकिस्तान इस इलाके का दोहन कर जमकर मुनाफा कमाता है, लेकिन इसका फायदा बलूचिस्तान या वहां रहने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता। बलूचिस्तान के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान और उसकी सेना के नापाक इरादों की मुखालफत की और नाक में दम कर दिया। बीते कुछ दिनों से बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा है। ग्वादर में हजारों लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जुटे थे, लेकिन सेना के साथ झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। बलूचिस्तान में दशकों से पाकिस्तान और उसकी सेना का विरोध होता रहा है। बलूच प्रदर्शनकारी ग्वादर में चीन की मौजूदगी से भी आक्रोशित है। दरअसल ग्वादर में चीन अत्याधुनिक बंदरगाह निर्माण कर रहा है, जिसे वो आर्थिक कॉरिडोर का एक अहम पड़ाव बनाना चाहता है। इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ और इस पर पूरा नियंत्रण पाकिस्तान की संघीय सरकार का है, लेकिन इससे ना तो बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार मिला और ना ही उन्हें कोई और लाभ मिला। कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों ने आसपास की जमीनें भी बलूच लोगों से लेकर भारी मुनाफे में बेच दी है। इसकी वजह से भी बलूच लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ खासा आक्रोश है, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई का सहारा लेता रहा है। वहीं बलूचिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें कम से कम 3 महिला प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल है। उधर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि अनियंत्रित भीड़ की ओर से की गई फायरिंग में एक जवान की मौत हो गई, वहीं 16 घायल है। उधर बलूचिस्तान यकजेती कमेटी का कहना है कि बीते 2 दिनों में उसके 100 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई ने बलोच लोगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन बलूच बहनों के साथ एकजुटता से खड़ी हूँ जो न्याय की मांग कर रही है और जबरन गायब किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि सेना अलगाववादी और आतंकी के नाम पर आम लोगों को उठाकर ले जाती है और उन्हें या तो मार दिया जाता है या उनकी कोई खबर नहीं मिलती। तो चलिए अब बात करते हैं बलूच के संघर्ष के इतिहास की। पाकिस्तान में आजाद बलूचिस्तान का संघर्ष दशकों पुराना है। इसे लेकर पहली लड़ाई तो बंटवारे के फौरन बाद 1948 में छिड़ गई थी। उसके बाद 1958 से 59, 1962 से 63 और 1973 से 77 के दौर में संघर्ष तेज रहा। मौजूदा अलगाववादी संघर्ष 2003 से शुरू हुआ और हाल के दिनों में इसमें तेजी आई है। एक और पाकिस्तानी सेना आजाद बलूचिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चरमपंथी सुन्नी संगठन यहां अल्पसंख्यक हिंदुओं और शिया आबादी पर हमले कर रहे हैं।
बलूचिस्तान में संघर्षरत संगठनों की बात की जाए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे ज्यादा मुखर रही है। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी, लश्कर ए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट जैसे कई संगठन बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते रहे हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।